मंडलायुक्त अनिल कुमार की अध्यक्षता में विकास एवं राजस्व कार्य की मंडलीय समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक में मंडलायुक्त ने खाद्यान्न की कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। उन्होंने सहायक आयुक्त खाद्यान्न को निर्देश दिया है कि कुशीनगर में विभाग को सचेत कर दें। मंडलायुक्त ने सभी जिलाधिकारियों एवं अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा दिए गए पत्रों पर गंभीरता पूर्वक कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि सभी एचडीएम तहसील मुख्यालयों पर निवास करें, जिन तहसील मुख्यालयों पर आवास नहीं है वहां भी वे निवास करें तथा आवास के लिए प्रस्ताव प्रशासन को भेजें। यदि एचडीएम मुख्यालय पर निवास नहीं करते पाए गए तो कार्रवाई भी की जाएगी। मंडलायुक्त ने न्यायालयों को छोड़कर पूरे मंडल में मुकदमों के निस्तारण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने चकबंदी के मुकदमों का कंप्यूटराइजेशन न होने पर नाराजगी व्यक्त किया तथा तत्काल इस कार्य को शुरू कराने का निर्देश दिया है। बैठक में ग्राम स्वराज अभियान, सौभाग्य योजना में निःशुल्क विद्युत कनेक्शन, उज्ज्वला योजना में निःशुल्क गैस कनेक्शन, शौचालय निर्माण, आवास, जनधन योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई तथा कार्यों को अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि खुले में शौच से मुक्ति ओडीएफ में कुशीनगर एवं देवरिया की प्रगति खराब है। मंडलायुक्त ने दोनों जनपदों की सीढ़ियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि कांजी हाउस सक्रिय करें। मंडलायुक्त ने निर्देश दिया है कि सभी जिलों में जिला पंचायतें अपने संसाधन में कांजी हाउस शुरू कराएं। बैठक में जिलाधिकारी के विजयेंद्रन पांडेयन के साथ ही देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज के जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी तथा मंडलीय अधिकारी मौजूद रहे। तो 712 में अगर ये दो ही केस कर दे रहे हैं तो बहुत खराब है। कैंपेन में ही किया है तो केस कर दे रहे हैं तो आप तो जिले भर में आप 10 से 20 से 50 केस चाहते हो गलत बात है। अगर कमिश्नरी को छोड़ दे पूरे मंडल में 70 केस के 5 साल से पुराने चाहिए आप शुरू कर दिया कर उठा सर जुलाई में तो बहुत नाराजगी रखी।